हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर। अगेन आई एम हियर टू टीच यू योर मैथ सब्जेक्ट। इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन योर नाइन्थ चैप्टर माय फंडे। इन माय दिस वीडियो आई आल्सो एक्सप्लेन योर नाइन्थ चैप्टर माय फंडे फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक। इन माय दिस वीडियो आई एम स्टार्ट टू द टॉपिक टीचर टीचर। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि पेज नंबर 67 पे है, जिसका नाम है टीचर टीचर। सो सम चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 2A लव टू प्ले। कुछ बच्चे जो हैं क्लास 2 के, वो खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं टीचर टीचर। दे हैव डिसाइडेड टू टेक टर्न इन प्लेइंग द टीचर्स रोल। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक एक बार करके क्या करेंगे, टीचर का रोल प्ले करेंगे और बाकी बच्चे स्टूडेंट्स बनेंगे। ना यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक चार्ट दिया गया है जिसमें डे भी बताया गया है और ये भी बताया गया है कि उस दिन कौन सा बच्चा टीचर का रोल प्ले कर रहा। सो मंडे को वैभव, ट्यूसडे को अल्पना, वेडनेसडे को गौरव, थर्सडे गुरप्रीत, फ्राइडे दीपक एंड सैटरडे रेनुमा। ये जो बच्चों का नाम दिया गया है, ये डे वाइज क्या करते हैं, टीचर का रोल प्ले कर रहा है। ना Here are some questions which is related to the chart. First है, Dash will be the teacher the day after Friday. कौन था उस दिन टीचर जो दिन आता है फ्राइडे के बाद? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे आता है। और सैटरडे को टीचर का रोल कौन प्ले कर रहा, रहनुमा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, रहनुमा। रहनुमा will be the teacher the day after फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे के पहले जो दिन आता है, उस दिन टीचर का रोल कौन प्ले कर रहा? तो ट्यूसडे के पहले क्या आता है, मंडे। और मंडे को कौन टीचर बना है, वैभव। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, वैभव। वैभव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर डैश। गौरव जो है वो किस दिन रोल प्ले कर रहा है, किस दिन के बाद वाले दिन को? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गौरव किस दिन प्ले कर रहा है, वेडनेसडे को। और वेडनेसडे कौन से दिन के बाद आता है, तो वेडनेसडे हमारा ट्यूसडे के बाद आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ट्यूसडे। सो गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर ट्यूसडे। जो दिन ट्यूसडे के बाद आता है, उस दिन गौरव जो है वो टीचर का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है, दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। दीपक जो है वो किस दिन टीचर का रोल प्ले कर रहा है? तो दीपक कब प्ले कर रहा है, फ्राइडे को। और फ्राइडे कब आता है, सैटरडे के पहले। किसके पहले आता है, सैटरडे के पहले। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सैटरडे। सो दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर सैटरडे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, गेम्स एवरी डे। हर दिन खेलने वाले गेम्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लास टू का क्या है, टाइम टेबल दिया गया है। मीन्स कि उनका फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड में कौन सा क्लास चलता है डे वाइज। तो यहाँ पे आप पहले देख रहे हो कि मंडे को कौन सा है, मंडे। यहाँ पे डे दिए गए हैं और इधर आपका सब्जेक्ट दिया गया है। तो फर्स्ट पीरियड में मंडे को क्या होता है, हिंदी। सेकंड पीरियड मैथ्स। थर्ड पीरियड में आता है गेम। फोर्थ में इंग्लिश, फिफ्थ में ईवीएस और सिक्स्थ में म्यूज़िक की क्लास है। उसी तरीके से आप देख रहे हो कि ट्यूसडे को फर्स्ट पीरियड है हिंदी, सेकंड पीरियड है मैथ्स, थर्ड पीरियड है ड्राइंग, फोर्थ पीरियड है इंग्लिश, फिफ्थ पीरियड है ईवीएस और लास्ट पीरियड है लाइब्रेरी। नेक्स्ट डे वेडनेसडे को फर्स्ट पीरियड है हिंदी, सेकेंड पीरियड मैथ, थर्ड पीरियड गेम, फोर्थ पीरियड इंग्लिश, फिफ्थ पीरियड ईवीएस और लास्ट पीरियड है लाइब्रेरी की। नेक्स्ट डे थर्सडे को है फर्स्ट पीरियड हिंदी, सेकंड पीरियड मैथ्स, थर्ड पीरियड ड्राइंग, फोर्थ पीरियड इंग्लिश, फिफ्थ पीरियड ईवीएस और लास्ट पीरियड में है म्यूज़िक। नेक्स्ट डे फ्राइडे को है फर्स्ट पीरियड हिंदी, सेकेंड पीरियड मैथ, थर्ड पीरियड में गेम, फोर्थ पीरियड में इंग्लिश, फिफ्थ पीरियड में ईवीएस और लास्ट पीरियड में म्यूज़िक। और लास्ट डे सैटरडे को है फर्स्ट पीरियड हिंदी, सेकंड पीरियड मैथ, थर्ड पीरियड ड्राइंग, फोर्थ पीरियड इंग्लिश, फिफ्थ पीरियड में ईवीएस और लास्ट पीरियड में है लाइब्रेरी की क्लास।
तो ये आप देख लिए कि ये टोटल टाइम टेबल दिया गया है डे वाइज. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू द टाइम टेबल. लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास 2A एंड फिल इन द टेबल. आपको ये जो टाइम टेबल दिया गया है 2A का, उसको देखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि पीरियड दिया गया है और उसका सब्जेक्ट दिया गया है. यहाँ पे आपको बताना है कि वो सब्जेक्ट जो है वो किस दिन है. फर्स्ट है ड्राइंग, तो ड्राइंग की क्लास किस किस दिन है. तो ड्राइंग आप देख रहे हो कि थर्ड पीरियड में है ट्यूसडे को, उसके बाद है थर्सडे को और फिर है सैटरडे को. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. नेक्स्ट सब्जेक्ट है म्यूज़िक, म्यूज़िक की क्लास किस किस दिन है. तो देख रहे हो आप म्यूज़िक की क्लास जो है वो लास्ट पीरियड में है, पहले मंडे को, फिर है थर्सडे को और फिर है फ्राइडे को. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. नेक्स्ट सब्जेक्ट है गेम, गेम का जो पीरियड है वो थर्ड पीरियड में गेम है, किस दिन, मंडे को, इसके बाद है आपका वेडनेसडे को और फिर है किस दिन, और किसी दिन गेम की पीरियड है. तो यस, आप देख रहे हो कि फ्राइडे को भी थर्ड पीरियड में गेम है. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. लास्ट सब्जेक्ट है लाइब्रेरी, तो यहाँ पे हमें बताना है लाइब्रेरी की क्लास किस किस दिन है. तो लाइब्रेरी आप देख रहे हो कि लास्ट पीरियड में है, किस दिन, पहले तो है ट्यूसडे को, फिर है वेडनेसडे को और फिर है सैटरडे को. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, बिकॉज इन तीनों दिन ही क्या है, लाइब्रेरी की क्लास है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर क्लास, अपने क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, आंसर देना है या फिर आप यहाँ पे जो रूटीन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर दे सकते हो. सो फर्स्ट है ऑन विच डे डू यू हैव अ गेम पीरियड. आपका गेम पीरियड कौन कौन से दिन होता है. तो हमारा गेम पीरियड किस दिन होता है, ट्यूसडे को होता है, थर्सडे को होता है और सैटरडे को होता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर लिख लेंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. नेक्स्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रेन वुड लाइक टू हैव अ गेम पीरियड एवरी डे. कितने बच्चे हैं जो हर दिन चाहते हैं कि हमारा गेम का पीरियड हो. तो यहाँ पे आप आंसर सोच के लिख सकते हो. तो हमारी क्लास में मिनिमम 25 बच्चे जो है वो चाहते हैं कि हर दिन उनका गेम का ही पीरियड हो. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 25. अगर लगता है आपको कि हमारे क्लास के 20 बच्चे ही चाहते हैं कि गेम का पीरियड हर दिन हो, तो आप 20 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गेम डू यू प्ले इन योर गेम पीरियड. आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं अपने गेम पीरियड में. तो अगर आप फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर फुटबॉल होगा. अगर आप कबड्डी खेलना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर कबड्डी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड. आपका किस दिन ड्राइंग का पीरियड होता है. तो हमारा ड्राइंग का पीरियड किस दिन है, मंडे को और वेडनेसडे को है. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, मंडे एंड वेडनेसडे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव अ म्यूज़िक पीरियड. क्या आपका कोई म्यूज़िक पीरियड भी है. तो यस, आपका म्यूज़िक पीरियड है. तो यहाँ पे हम आंसर यस लिख लेंगे. पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ यस ऑन विच डे. अगर है तो किस दिन है, तो म्यूजिक पीरियड हमारा ट्यूसडे और थर्सडे को है. तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल. आप किस दिन सोचते हो कि आपका जो स्कूल है वो उस दिन बहुत ही अच्छा जाएगा. तो वो हमारा सैटरडे होता है, बिकॉज सैटरडे को हमें क्या मिलता है, एक्टिविटी मिलते हैं बहुत सारी करने के लिए. तो हम एक्टिविटी को में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एक्टिविटी को लेके. तो हम सैटरडे को, जो सैटरडे वाला जो डे होता है वो हमारा वीक का बेस्ट डे होता है. नाउ वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सारे ही क्वेश्चंस मैं कर दी हूँ. फर्स्ट ये आपका फिलिंग इन दी ब्लैंक्स था, जो कि आपका पेज नंबर 68 पे दिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन है डैस विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे. कौन होगा टीचर जो कि फ्राइडे के बाद वाले दिन आता है.
तो कौन था उस दिन? रेनुमा। नेक्स्ट है डैस विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूजडे। कौन था टीचर जो दिन आता है ट्यूजडे के पहले, तो उस दिन कौन था? वैभव। नेक्स्ट है गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर ट्यूजडे। सो गौरव जो है वो ट्यूजडे के बाद वाले दिन क्या किया है, टीचर का रोल प्ले किया है। लास्ट क्वेश्चन है दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर सैटरडे। दीपक ने रोल प्ले किया था टीचर का जो दिन आता है सैटरडे के पहले, मींस फ्राइडे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका पेज नंबर 69 पर दिया हुआ है। लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास 2 एंड फिल इन द टेबल। जो पेज नंबर 68 पे टाइम टेबल दी गई है उसे आपको ध्यान से देखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये ब्लैंक को, ये जो टेबल दी गई है उसे फील करना है। यहाँ पे आपका पीरियड दिया गया है और ये बताना है कि वो सब्जेक्ट जो है वो किस किस दिन है। फर्स्ट था ड्राइंग की पीरियड, तो ड्राइंग की पीरियड थी थर्ड पीरियड में, ड्राइंग की क्लास थी ट्यूसडे को, थर्सडे को एंड सैटरडे को। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका म्यूज़िक, म्यूज़िक की क्लास थी लास्ट पीरियड में, मंडे को, थर्सडे को एंड फ्राइडे को। नेक्स्ट सब्जेक्ट है गेम, गेम का पीरियड था आपका थर्ड पीरियड, मंडे को, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को। और लास्ट सब्जेक्ट है आपकी लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी की क्लास थी आपकी सिक्स पीरियड में, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और सैटरडे को। तो यहाँ पे आपको टेबल को देखकर फील कर लेना है ये आपका नेक्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, जो कि आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, अपने क्लास के अकॉर्डिंग फील करना है इन योर क्लास। तो अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें फील करना है। फर्स्ट है ऑन विच डे डू यू हैव अ गेम पीरियड, आपके स्कूल में आपके क्लास का गेम पीरियड कब है? तो आप लोगों का गेम पीरियड है ट्यूसडे को, थर्सडे को एंड सैटरडे को। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड लाइक टू हैव अ गेम पीरियड एवरी डे, कितने बच्चे जो हैं वो चाहते हैं हर दिन उनका गेम का पीरियड हो? तो यहाँ पे मैंने 25 लिख लिया है। ये आंसर आप खुद के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं अगर आपको जो भी लगता हो। अगर आपको लगता हो कि हमारे क्लास के सिर्फ 20 बच्चे ही हैं या फिर 25 से ज़्यादा बच्चे भी हैं जो कि चाहते हैं कि उनका हर दिन गेम का पीरियड हो, तो आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर फील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गेम डू यू प्ले इन योर गेम पीरियड, आप कौन सा गेम खेलना चाहते हो अपने गेम पीरियड में? तो अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हो या फिर कबड्डी या फिर जो भी आप गेम प्ले करना चाहते हो वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मैं एक जनरल आंसर फुटबॉल लिख दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड, आपका ड्राइंग पीरियड किस दिन है? तो हमारे स्कूल में जो हमारा ड्राइंग पीरियड है आपकी क्लास का वो किस दिन है, मंडे को है और वेडनेसडे को है। तो यहाँ पे मैंने आंसर मंडे एंड वेडनेसडे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव अ म्यूज़िक पीरियड, क्या आप लोगों का म्यूज़िक पीरियड भी होता है? तो यस, आप लोगों का म्यूज़िक पीरियड भी है। इफ़ यस ऑन विच डे, अगर हाँ तो आपको बताना है कि वो किस दिन है। तो आप लोगों का म्यूज़िक पीरियड ट्यूसडे एंड थर्सडे है, तो यहाँ पे हम ट्यूसडे एंड थर्सडे आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल, आपको क्या लगता है कि वीक का कौन सा डे जो है वो बेस्ट है स्कूल के लिए? तो वो सैटरडे है, बिकॉज सैटरडे को हमें बहुत सारी एक्टिविटी मिलती है जिसको करने में हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में नोट कर लेने हैं और उसके आंसर भी लिखने हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।